हे दोस्तों, राहुल एक बहुत अच्छे शेफ थे जिन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था। उनकी बनाई हर डिश लोगों को बहुत पसंद आती थी, इसलिए उनका सपना भी था कि वो एक बहुत बड़े शेफ बने। अभी सपना पूरा करने के लिए पहले उन्होंने ये सोचा कि वो कहीं एज अ शेफ जॉब करे। सो जॉब सर्च करने पर उन्हें वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्रेंचाइज मैकडॉनल्ड में इंटरव्यू देने का इन्विटेशन मिला। वो वहां गए और फौरन सिलेक्ट हो गए। अब राहुल ने एक्चुअली कभी मैकडॉनल्ड से कुछ खाया नहीं था, सो उस दिन पहली बार उन्होंने वहां से एक बर्गर ऑर्डर किया। उन्हें प्राइस बहुत महंगा लगा एक छोटे से बर्गर का, और खाने के बाद उन्हें और खराब लगा क्योंकि उन्हें उसका टेस्ट भी कुछ खास नहीं लगा प्राइस के हिसाब से। सो अब बर्गर खाते खाते वो सोचने लगे कि अरे ये इतने बड़े रेस्टोरेंट से कई ज्यादा अच्छे और सस्ते बर्गर तो मैं आराम से बना सकता हूँ, और वो भी प्रॉफिट के साथ, तो क्यों ना मैं ही इन्हें डायरेक्ट बेचना चालू करूँ बजाय यहाँ जॉब करने के। सो ऐसी सोच के साथ अब उन्होंने एक बड़ा रिस्क लेकर वो जॉब नहीं किया और अपना खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया कुछ लोन लेकर। शुरू शुरू में उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि कस्टमर्स बहुत कम आते थे, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी और प्राइस के बाद भी ज्यादातर लोगों को उनके बर्गर के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा था। तब उन्हें समझ में आया कि मार्केटिंग कितनी जरूरी होती है। सो उन्होंने डबल मेहनत करके अब खुद मार्केटिंग करना भी स्टार्ट किया, सोशल मीडिया और अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑफर्स के साथ, जो कुछ महीने करने के बाद फाइनली थोड़े ज्यादा लोग हर दिन उनके शॉप में आने लगे। पर जैसे ही लोग ज्यादा आने लगे, नई प्रॉब्लम ये हुई कि राहुल हर काम खुद अकेले नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि पैसे लेना देना, फ्रेश बर्गर्स बनाते रहना, साफ सफाई रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फाइनली फिर उन्होंने हिसाब किताब करके प्रॉफिट को समझते हुए एक आदमी को हायर किया अपने काम में हाथ बटाने के लिए। उन्हें लगा ये करने से सब ठीक हो जाएगा, बट चीजें ठीक होने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि उन्होंने जिस आदमी को हायर किया था वो काफी लेजी था, और बहुत मेहनत से अच्छे से सिखाने के बाद भी वो टाइम टू टाइम बहुत खराब बर्गर बना के कस्टमर्स को देने लगता था और सफाई भी नहीं रखता था। राहुल तब काउंटर पे बैठते थे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कस्टमर से डील करना और भी दूसरे काम करते हुए, इसीलिए उस पे हमेशा इतना ध्यान नहीं रख पाते थे, जिसकी वजह से ये हुआ कि लो क्वालिटी टेस्ट मिलने की वजह से लोग कंप्लेंट करने लगे। और ये सब देखकर राहुल ने फिर उस काम वाले को निकाल दिया और वापस सब खुद हैंडल करने लगे। अब अगेन थोड़े ही टाइम में उन्हें समझ आया कि वो अकेले नहीं कर सकते सारे काम, सो अगेन उन्होंने एक आदमी को जॉब पे रखा, जो फाइनली एक अच्छा वर्कर निकला। बट फिर कुछ महीने में उन्हें रियलाइज हुआ कि वो दोनों भी अकेले सब कुछ नहीं संभाल पा रहे थे, सो उन्होंने एक और आदमी को हायर किया। लेकिन इतना सब करने की वजह से अब उनके प्रॉफिट कम होने लगे थे, हर एम्प्लॉय की सैलरी, भाड़ा और दूसरे एक्सपेंसेस वो प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट के बजाय लॉस और कर्जे में आने लगे थे, जो फाइनली फिर उनके रेस्टोरेंट को बंद करने का रीजन बन गया। कुछ ऐसी ही टाइप की बहुत सी अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करते टाइम, जिसकी वजह से ज्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च से पता चला है कि आज दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी हर 10 में से 8 बिजनेस फेल हो जाते हैं, और वो भी बस स्टार्टिंग के 18 मंथ्स में ही। और ये हाई नंबर्स ऑफ फेलियर ऐसे ही नहीं है, बल्कि इनके पीछे कुछ रीजन है, कुछ मिथ्स है, गलत फहमियां हैं जो लोगों को फेल करती है। जैसे कि पहला मिथ ये है कि अगर आप बिजनेस की टेक्निकल चीजें समझते हो तो आप उस बिजनेस को आराम से चला सकते हो, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि फैक्ट ये है कि एक बिजनेस चलाना और एक अच्छा टेक्नीशियन होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऑथर बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए ओनर में 3 क्वालिटीज होना जरूरी है, या 3 लोग होने चाहिए बिजनेस में। फर्स्ट एक एंटरप्रेन्योर, सेकंड एक मैनेजर, और थर्ड एक टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर उसे बोलते हैं जो कंपनी को विजन देता है, बड़े गोल्स डिसाइड करता है, प्लान्स बनाता है, बिजनेस के फ्यूचर के बारे में सोचता है और कंपनी को चार्ज रखता है, जो सारी चीजें सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली फ्यूचर पे फोकस करते हैं। सेकेंड मैनेजर वो क्वालिटी या इंसान को कहा है ऑथर ने, जो बिजनेस को ऑर्डरली वे में चलाता है, एम्प्लॉय और कस्टमर्स को मैनेज करता है, सब चीजों को सही ऑर्डर में रखने की जिम्मेदारी रखता है, जिससे कि कंसिस्टेंट इफेक्टिव आउटकम मिलते रहते हैं काम करते करते। मैनेजर की क्वालिटी या इंसान कंपनी के पास्ट को समझते हुए एक्शंस लेता है। और लास्ट थर्ड क्वालिटी या इंसान होते हैं टेक्नीशियन। टेक्नीशियन उसे बोलते हैं जो बिजनेस का मेन काम संभालता है। एग्जांपल, राहुल के बिजनेस में बर्गर बनाना टेक्नीशियन का काम था। अगर कोई ऐप डेवलपिंग कंपनी है समझो, तो उसमें जो कोडिंग करके ऐप बिल्ड करेगा वो टेक्नीशियन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राहुल को अच्छे सस्ते बर्गर बनाने आते थे, सो उनकी ये क्वालिटी तो अच्छी थी, बट उनकी ये गलत फहमी थी कि बर्गर बनाना आता है मतलब टेक्नीशियन क्वालिटी अच्छी है, तो बर्गर बेचने का बिजनेस करना भी इजी होगा, क्योंकि बनाना और बेचना दोनों बहुत अलग चीज होती है। सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है कि बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर, एक मैनेजर और एक टेक्नीशियन हो एटलीस्ट, या ऐसा ओनर हो जिसमें तीनों क्वालिटी हो, जो राहुल और ज्यादातर फेलिंग बिजनेस ओनर्स में नहीं देखने मिलती। राहुल की तरह नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग यही गलती करते हैं कि वो टेक्निकल स्किल्स को ही सब कुछ समझते हैं। अगर परसेंटेज वाइज बोले तो ज्यादातर फेलिंग बिजनेस ओनर्स के नंबर्स कुछ ऐसे दिखेंगे, 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और बस 10% एंटरप्रेन्योर क्वालिटी, जबकि बड़ी सक्सेस के लिए ये नंबर होने चाहिए 33% हर क्वालिटी के लिए। अब एक और बात जो समझना जरूरी है बिजनेस की बड़ी सक्सेस के लिए, वो है 3 फेज ऑफ बिजनेस।
कोई भी बिजनेस यूजुअली 3 फेज में बहुत बड़ा बन पाता है, जिसमें से पहला स्टेज होता है इन्फेंसी स्टेज। ज्यादातर बिजनेस इसी स्टेज से स्टार्ट होते हैं, जहां पूरा बिजनेस वैसे चलता है जैसा ओनर की मर्जी होती है, ना कि वैसा जैसा बिजनेस के लिए बेस्ट होगा। इस स्टेज में यूजुअली ओनर सब काम अकेले खुद ही करता है। एग्जांपल, राहुल ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट करा तब वो खुद ही मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, टेक्नीशियन और सब खुद ही थे, और ऐसे ही ज्यादातर लोगों के लिए होता है। फिर सब कुछ सही चला तो आता है सेकंड, एडोलेसेंस स्टेज। ये स्टेज तब आता है जब बिजनेस थोड़ा ग्रो होने लगता है और ओनर को समझ आता है कि उसका अकेले इस बिजनेस को चलाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ वो दूसरे लोगों को हायर करते हैं या पार्टनर बनाते हैं बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल, राहुल ने जब एक आदमी को हायर किया तब वो इस स्टेज में आ गए थे, सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम इसके बाद हुई। क्योंकि देखो, इस स्टेज में आने के बाद लोगों को यूजुअली 3 आउटकम मिलते हैं। पहला, बैक टू स्टेज 1। जब ओनर अपने काम दूसरों को देने लगता है तब यूजुअली उसे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, क्योंकि तब उनका काम जो उन्हें लगता है कि वही सबसे बेस्ट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो उन्हें किसी और को देना पड़ता है, जो बहुत से लोगों को जमता नहीं, और कई बार इससे आए आउटकम लोगों को पसंद नहीं आते, जैसे कि राहुल के साथ हुआ। सो वो पहला ऑप्शन, वापस स्टेज 1 पे आ जाते हैं और अकेले काम करने लगते हैं, जो एक्चुअल में सही ऑप्शन नहीं होता। दूसरा आउटकम ये होता है कि कंपनी बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो होने लगती है, जिससे ओनर और एम्प्लॉय दोनों हैंडल नहीं कर पाते और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो बिजनेस को डुबा देती है। और लास्ट तीसरा आउटकम ऐसा होता है कि पूरा बिजनेस एक बड़ी जंग बन जाता है, जहां हर दिन उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसे स्टेबल रखने के लिए, और जिसकी वजह से वो कुछ एंजॉय नहीं कर पाते, ना अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ला पाते हैं। अब ये तीनों आउटकम बिजनेस को आगे नहीं ग्रो करते, इसीलिए जब तक ऐसे आउटकम निकलते हैं बिजनेस 3rd लेवल पे नहीं पहुंच पाता, बेस्ट लेवल पे, जिसे बोलते हैं मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी लेवल अल्टीमेट लेवल होता है बिजनेस का, जिधर सारी बड़ी कंपनीज आती है। आपको भी मल्टी मिलियन या बिलियन डॉलर बिजनेस क्रिएट करने हैं तो आपको अपने बिजनेस को इसी लेवल पे लाना होगा, और इस लेवल पे लाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि 1, थिंक एज अ फ्रेंचाइज। ज्यादातर लोग जब एज अ टेक्नीशियन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब वो बहुत शॉर्ट टर्म सोच के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वो अपने बिजनेस को 2-3 साल बाद कहां लेके जाना चाहते हैं। वो बस ये सोच रहे होते हैं कि कैसे भी उनको खूब सारे कस्टमर्स मिले, जिससे वो खूब सारे पैसे कमा सके, जो चीज उन्हें जल्दी आगे बढ़ने नहीं देती। क्योंकि एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है तो आपको स्टार्टिंग से ही ऐसा सोचना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को कैसे एक फ्रेंचाइज मॉडल बना सकते हो। आपको आपके बिजनेस को एक फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप जैसा सोचना चाहिए, जो आप इजीली फ्यूचर में स्केल कर सकते हो। 2, सिस्टम डिपेंडेंट। मैकडॉनल्ड आज इतना बड़ा बिजनेस इसलिए नहीं बना है क्योंकि वो सबसे टेस्टी बर्गर्स बनाते हैं, बल्कि उनके सिस्टम्स उन्होंने इतने अच्छे और सिंपल बनाए हैं कि कल को एक बिना एक्सपीरियंस का कॉलेज स्टूडेंट भी मैक में काम करके उनकी स्टोर को चला सकता है। और बहुत एक्सपर्ट स्मार्ट लोगों की हमेशा नीड नहीं होती हर वक्त। ये होता है एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाने का कमाल, जो फ्रेंचाइजिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। एक बड़ी गलती हर बिजनेस ओनर स्टार्ट में कर देते हैं कि वो अपनी बिजनेस को पीपल डिपेंडेंट बना देते हैं, बजाय उसे सिस्टम डिपेंडेंट बनाने के। मतलब उनका बिजनेस पूरी तरह से कुछ खास लोगों पे डिपेंड हो जाता है। एग्जांपल, जब बिजनेस इन्फेंसी स्टेज में होता है तब ओनर वो खास इंसान होता है जिस पर सब डिपेंड करता है। अगर ओनर ने काम करना बंद कर दिया तो पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। जबकि एडोलेसेंस स्टेज में उनके कुछ एम्प्लॉइज या पार्टनर वो खास लोग बन जाते हैं। अब देखो, बहुत से लोग सोचेंगे स्टार्ट से सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं होता या ऐसा कुछ, तो इस पर ऑथर कहते हैं कि बड़े बिजनेस बड़े बनते हैं क्योंकि यूजुअली वो पहले ही ये बात समझ जाते हैं कि सिस्टम्स का होना किसी भी लेवल पे बहुत जरूरी है। मैकडॉनल्ड ने पहले से ही सिस्टम बनाना स्टार्ट किया था, तब जाके वो ऐसा बिजनेस बना पाए जो इजीली स्केल हो सका। इसलिए आप भी स्टार्ट से ही अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज मॉडल जैसा सिस्टम डिपेंडेंट बनाने का सोचो और कोशिश करो। हाँ, आपको थोड़ा डिपेंडेंट होना पड़ेगा लोगों पर एम ये रखो कि आप बिजनेस सिस्टम डिपेंडेंट बनाओ, ना कि पीपल डिपेंडेंट। 3, वर्क ऑन द बिजनेस। अगर आप अपने ऊपर बिजनेस को डिपेंड कराओगे तो आप फिर अपने लिए बिजनेस नहीं बल्कि एक और ज्यादा मेहनत वाली जॉब बना रहे हो। बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन ये होता है कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सको अपने लिए, ना कि एक ऐसी मुश्किल जॉब जिसके लिए आपको अपनी पूरी लाइफ लगाना पड़े। सो इसीलिए इस बुक का सबसे बड़ा कोर प्रिंसिपल यही है कि यू शुड नॉट वर्क इन द बिजनेस बट ऑन द बिजनेस। मतलब सिस्टम्स की हेल्प से चीजों को डॉक्यूमेंट करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्रिएट करो, ना कि बिना सोचे समझे बस बिजनेस में घुस के हमेशा काम करते रहो। एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट करो जो कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल, एक्सीलेंट आउटपुट दे, बिना आप पर या किसी भी एक इंसान पर डिपेंड हुए। ये थे कुछ प्रिंसिपल एक बहुत ही अमेजिंग बुक द ई-मिथ रिविजिटेड बाय माइकल गर्बर से। अगर आपको बिजनेस क्रिएट करने में या बड़ा बिजनेस बनाने में जरा भी इंटरेस्ट है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है बिजनेस कैटेगरी में। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो, और अगर आप इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहते हो तो आप ऑडिबल से ले सकते हो मेरी वेबसाइट seekin.in से जाकर। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है।
और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और उसके बाद सेंड ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट करें, क्योंकि तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो, जिससे उनकी लाइफ भी अच्छी होगी और हमारा देश भी तरक्की करेगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।